गुड इवनिंग एवरीवन. बेटा, पिछले क्लास में भी हमारा यही टॉपिक चल रहा था, घातांकों के नियम. तो आज भी हम इसी में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जैसे देखा कि पोल में बहुत गलत आंसर्स हमारे आ रहे थे कि अगर क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टफ हो जाता है तो हमारे आंसर्स गलत होने लग जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए आज हम इसी टॉपिक को और अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे और सभी के जितने भी डाउट होंगे ना, उसको क्लियर करेंगे. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. मैं आपको सवाल दे रही हूं जिसमें एक से ज्यादा नियम लगे, एक से ज्यादा. जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3, 2 की घात 3 की घात 2. ठीक है, दूसरा मैंने इसके साथ, चलो इस बार जोड़ देते हैं, प्लस का साइन लगाया. फिर मैंने लिखा 3 की घात 2, उसकी घात 3. और मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या आएगा. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही नियम पता होना चाहिए कि कौन सा रूल यहाँ लगने वाला है. तो मुझे बताओ कौन सा नियम यहाँ लगेगा. कौन सा नियम लगेगा बताइए, माइक ऑन करके बोल दो कौन सा लगेगा. घूमते हो गए हो क्या, ये वाला लगेगा ना, 1 की घात m, 1 की घात n, उसकी पूरी घात n. मतलब जहां पे 2 घातें एक साथ हो, वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है. ये वाला ही लगेगा, यस और नो. यस मैम. मैम दोनों जगह यही नियम लगने वाला है, बस लगाती. ठीक है, आज हम ऐसे ही करेंगे, एक एक टाइप का क्वेश्चन, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन पोल में करेंगे. चलो सॉल्व करते हैं. 2 की घात 3 गुणा 2 प्लस 3 की घात 2 गुणा 3. आंसर क्या आएगा, 2 की घात 6 और 3 की घात 6. यही है, 2 की घात 6 प्लस 3 की घात 6. अब मेरे पास ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि बीच में अगर प्लस का निशान हो तो मैं घात अगर समान हो तो क्या करूं. तो यहाँ तो मुझे सिंपल सा जोड़ना पड़ेगा. तो 2 की घात 6 को 6 बार गुणा करना है आपने, 4, 5, 6. और उसी तरह 3 की घात 6 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार. तो मैं यहाँ 6 टाइम्स लिख देती हूँ. तो आपको पता है कि 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, 32 दुनी 64. उसी तरह 3 की घात 6 को क्या लिखोगे, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9, फिर 3 गुणा 3 9. हो गया, कर दीजिए. 64 प्लस 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. जोड़ दीजिए, 729 और 64 को जोड़ोगे क्या आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 1 हासिल 6, 7, 8, 9, 793 इसका उत्तर हो जाएगा. क्लियर हो गया सभी को, 793 क्लियर. यस मैम. नियम लगाया है और दोनों जगह सेम ही नियम लगाया, और पीछे प्लस का निशान था तो मैंने जोड़ दिया, हो गया क्वेश्चन. इसको नोट, एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं पोल में दूंगी. काट लीजिए. मैं उतार ली. काट लिया सभी ने. यस मैम. चलो एक सवाल देखती हूँ फिर. सवाल है आपका ये, हाँ, 5 की घात 2 की घात 1/2, 5 की घात 2 उसकी घात 1/2 प्लस 4 की घात 2 की घात 2, इसको जोड़. सभी बच्चे कॉपी में उतार लीजिए क्वेश्चन को. अब मैं देने वाली हूँ इसके ऑप्शन, थोड़ा सा टाइम लगेगा.
अब तक आप अपनी अपनी कॉपी में से सॉल्व कर लीजिए। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन हो गए और इसका आंसर कहाँ करेंगे आप लोग? पोल। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, नियम वही लग रहा है जो भी मैंने करवाया है। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। यस नितिन, कोई डाउट है बेटा पूछो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है माइक ऑन करके पूछ लीजिए बेटा, हैंड रेज मत करो। गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है लेकिन गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बेटा, इसलिए बोल रही हूँ आंसर सॉल्व करने से पहले उसे डबल चेक जरूर कर लेना। आंसर कहें धीमन बता दे, मैं आंसर दे दूंगी। बेटा माइक म्यूट कर दो, आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा बताइए, बताओ कुछ प्रॉब्लम आ रही है सवाल में? हाँ एकदम करेक्ट है आप, जिसने आंसर, हाँ आप एकदम सही हो रहा है, वेरी गुड, मतलब हो रहा है आपसे सवाल, गुड। चार में से तीन बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड, पांच की घात दो, उसकी घात 1/2 है, नियम वही लगेगा जो अभी हमने पहले वाले किए। गुड, वेरी गुड। सात में से चार बच्चों का आंसर ठीक है अभी।
सबका हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या कोई रहता है अभी? बताइए बेटा, हो गया सभी का? यस मैम। चलिए ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। जरा अपने अपने सब कॉपी मुझे दिखा दो, फिर चैट सेक्शन ऑन करूंगी। कॉपी दिखाइए जल्दी से सभी। दिखाओ मुस्कान, लक्ष्मी, हेमंत, अंकुश, सभी कॉपी दिखाइए। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट बेटा, लक्ष्मी एकदम करेक्ट है आपका, गुड। और बाकी बच्चे देखो, कॉपी दिखाओगे तो मिस्टेक आपकी मैं अभी बता दूंगी कि कहाँ पे मिस्टेक करी है। कॉपी दिखाने का यही मोटिव है, और ये नहीं कि किसने सही किया किसने गलत, मुझे बस मिस्टेक बतानी है। आप दिखा दो, डरो मत कॉपी दिखाने में। चलिए चलो, बाकी बच्चे चैट एक्शन में कर दो आंसर, फिर मैं करवाती हूँ। ठीक है चलो, फिलहाल मैं ऑप्शन हटा रही हूँ यहाँ से ताकि मैं इसे सॉल्व करूं। चलिए तो आपको मैंने क्या बोला कि नियम यहाँ पे वही लग रहा है, ए की घात एम की घात एन, जो बराबर होता है दोनों की घात के गुणा को। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 5 की घात 2 गुणा 1/2 प्लस 4 की घात 2 गुणा 2। इस 2 से ये 2 कट गया, ये तो क्या बचा, 5 की घात 1 हो गया, ये हो गया 4 की घात 4, 2 दूनी 4 होता है, 5 की घात 1 का मतलब तो 5 ही होता है, 4 की घात 4 का मतलब है 4 ही मैंने 4 बार गुणा कर दी। क्या रहेगा आंसर? 5 प्लस 4 = 16 हो गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 होता है। 256 में 5 आप जोड़ोगे कितना आएगा? 261। क्लियर हो गया? 261 इसका उत्तर आएगा। सभी को आगे गया सवाल समझ? देखो कितना हार्ड था कि सवाल, इजी था, इसमें तो बस एक ही नियम लगना था। आगे सभी को समझ? यस देवेंद्र बेटा, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए गुड। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप फिर से पोल में दे रही हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मान क्या होगा, 2 की घात 10, 10 मतलब 2 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, इसका मान क्या आएगा? 200 की घात 2, सही लिखा मैंने, समान यही आएगा 200 की घात 2। यस और नो चैट में बताओ। यस मैम। गलत किया है बेटा मैंने, सही कैसे बोल रहे हो? गलत किया है, देखो क्या गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पे। आपको पता है कि जब भी हमारे आधार अलग अलग होते हैं और पावर सेम हो, घात समान हो, तो क्या करते हैं? ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम। घात समान हो तो दोनों आधारों को गुणा कर दो और उसकी होल पावर एम आ जाती है। अब ए की जगह यहाँ पे 2 है ना, ए की जगह यहाँ पे क्या है? 2 है, ए की जगह 2 है तो 2 की घात 2 है, और बी की जगह 10 है तो 2 गुणा 10 उसकी घात 2।
दो गुणा दस कितना आएगा, 20 की घात 2 होना चाहिए ना, और मैंने क्या लिखा 200 की घात 2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है। ये वाली सही है, मतलब इसको सॉल्व करूंगी आएगा 20 की घात 2 ना कि 200 की घात 2। सबको समझ में आया? 200 कैसे आ जाएगा बताओ, जब पावर एक जैसी होती है तो नीचे आधारों का गुणा होता है ना, आधार का गुणा करूंगी 2 को 10 से तो 20 आएगा, 200 थोड़े ना आएगा। बताइए सभी को क्लियर? हाँ, अब 400 आएगा, वेरी गुड अंकुश। इसको सॉल्व करूंगी तो फिर 400 आ जाएगा, 20 गुणा 20। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पोल में करें। यस मैम। ठीक है, ये है आपका सवाल। 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11, क्या 1100 की घात 11 आएगा? सत्य है या असत्य है, मतलब आपको ये सॉल्व करके निकालना है कि जब इसको सॉल्व करेंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये क्वेश्चन सही किया है, यस और नो, पूरा सॉल्व करके ही निकालना है इसे अपनी अपनी कॉपी में। देखो जिसने भी आंसर किया पोल में गलत है बेटा, इतनी जल्दी तो इसका आंसर भी नहीं आएगा जितनी जल्दी आपने आंसर कर दिया पोल में। सॉल्व करो, बार बार बोल रही हूँ, अभी जैसे सिखाया था सॉल्व करना, सेम उसी तरीके से करना है। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना। इस क्वेश्चन को दोबारा से करना जरा। आप कीजिए अब आंसर, सॉल्व करके ही आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सभी का सही आना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करवाया, ये बस वैल्यू चेंज है इसमें, है सेम। बेटा नितिन माइक बंद करो, हाँ माइक बंद कर लो बेटा, वेरी गुड। हाँ, अब 4 में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है, गुड। बेटा एक चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, आप क्लास इतनी लेट लेट में क्यों ज्वाइन कर रहे हो? 20 मिनट ऑलरेडी हो गए क्लास शुरू हुए और अभी भी बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। टाइमिंग आपको पता है ना कितने बजे होती है क्लास शुरू, फिर भी लेट। गुड, 5 में से 4 बच्चों का आंसर करेक्ट है ये, बढ़िया। मैम कर दिया, मैम कर दिया। गुड बेटा, गुड। कितना का सही है? 6 में से 5 बच्चों ने एकदम करेक्ट किया, अभी एक ही बच्चे का गलत हुआ है। वैसे
जो वो भी गलत नहीं होना चाहिए था, सबका सही होना चाहिए था ये, यस मैम। है ना। मुश्किल तो है बेटा, सारे बच्चे हैं, 6 ही बच्चे थोड़ी ना करेंगे पोल में आंसर, बाकी बच्चे भी करो। गुड, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, बाकी बच्चे। वेरी गुड, तो चैट सेक्शन आते ही सबका आंसर सही होता है और पोल में गलत होता है। मैम पोल में भी सही ठीक मेरा, है, देखो मेरा भी सही था, पोल में यहाँ सही पे था वही नियम हमारा। होता है ना, ए की घात m गुणा b की घात m। हाँ, दोनों की घात एक जैसी हो तो सिंपल आधारों को गुणा कर दो, मतलब 11 गुणा 10 उसकी घात 11। 11 को 10 से गुणा करोगे 110 आएगा ना, 110 आएगा। यहाँ क्या लिखा है, 1100, लेकिन हमारा तो उत्तर आ रहा है 110, मतलब ये जो लिखा है इसने सॉल्व किया है ये गलत है, मतलब ये असत्य है, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 110 आ रहा है लेकिन इसका 1100 आ रहा है। सबको समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। ठीक है, उस टाइप का भी क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने अभी। यस मैम। ये देखो, 3 की घात 2, 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। इसको अगर मैं सॉल्व करूं घातांकीय रूप में लिखूं तो आंसर क्या आएगा? आपको नियम पता है इसमें कौन सा नियम लग रहा है, वो ही वाला नियम लगाओ और इसका आंसर पोल में करिए। पोल सेक्शन ऑन नहीं हो रहा। एक मिनट बेटा, रुक जाओ, अभी हो जाए। कीजिए, कर वेरी गुड। दिया हाँ, वेरी गुड बेटा, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का ठीक है, गुड, वेरी गुड, मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जैसे इस क्वेश्चन में अभी तक 9 बच्चों के आंसर आ गए, पहले वाले में नहीं आए इतने आंसर। क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है आप लोगों ने, सारे क्वेश्चन करने आंसर। देखो 11 बच्चों के आंसर आ गए अभी अभी। आसान सवाल का आंसर सब करते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस आंसर आप करते नहीं हो। ऐसे नहीं करना बेटा, सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सही या गलत मैम? बेटा अभी 2 बच्चों का गलत हो गया वैसे 12 में से। आखिरी के 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। नियम कौन सा लग रहा है? नियम कहता है कि जब आधार समान हो, आधार समान हो सबके, नीचे मतलब नीचे वाली वैल्यू एक जैसी हो ना, तीनों में 3 लिखा हुआ है, तो क्या कर दो,
जो उनकी घाते हैं उनको जोड़ दो और नीचे वाला जो आधार है वो एक ही बार आएगा, ये नियम लग रहा है। तो 3 की घात 2 प्लस 5 प्लस 4 कितना आएगा, 3 की घात 11, इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर, डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अच्छा, अगर इस टाइप का सवाल हो कि मैं लिखूं 4 की घात 2, 4 की घात 2 मैंने लिखा, अब मुझे बताओ इसको मैं 4 की घात 2 लिखा ना मैंने, अगर मैं बोलूं इसको आप 2 की घात के रूप में तोड़ना है, आप बढ़ा सकते हो, कैसे तोड़ोगे 4 की घात 2 को 2 की घात के रूप में तोड़ना है। देखो कैसे करेंगे ये वाले सवाल, आपको पता है कि 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 गुणा 2, यस और नो? Yes. 4 का मतलब 2 गुणा 2 होता है, ठीक है। मैंने लिख लिया 4 को 2 गुणा 2 और इसकी घात, हाँ इसकी घात ये 2 ऊपर चली रही है। अब 2 गुणा 2 का क्या मतलब है, 2 की घात 2 और ये जो बाहर घात 2 है ये ऑलरेडी है, कितना आ जाएगा 2 की घात। आपको पता है यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, 1 की घात m की घात n, मतलब 1 की घात m गुणा n, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, इसका उत्तर आ जाएगा 2 की घात 4, इसका आंसर है। तो मैंने क्या कर दिया, 4 की घात 2 को 2 की घात में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सबको समझ में आ गया कैसे किया मैंने चेंज, 4 से 2 में मैंने चेंज कर दिया। एक और करवाऊंगी मैं अभी, फिलहाल इसे कॉपी पर उतार लीजिए। उतार लिया मैम, सभी ने उतार लिया मैम, एक सवाल और समझाओ ऐसा ही। ठीक है उतार लीजिए बेटा। करवाऊं अगला? यस मैम। एक और सवाल ले लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि 27 की घात 3 को आपने 3 की घात के रूप में क्या आएगा वो लिखना है। 3 की घात क्या होगी अगर 27 की घात 3 मैंने देखा है, इसका मतलब आपको इस 27 जो आधार में है उसको 3 में तोड़ना पड़ेगा। आपको पता है कि 27 मतलब क्या होता है बेटा, 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना, 3 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आता है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगी, 3 की घात 3, और देखो 27 की घात पहले से 3 है तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, बाहर भी 3 है ना। 27 को मैंने 3 की घात 3 गुणा 3 लिखा, इसके ऊपर 3 पहले से था, फिर इस 3 गुणा 3 गुणा 3 को मैंने लिख दिया 3 की घात 3 और ये वाली जो घात है ये वैसे का वैसे आ जाएगी। अब वही नियम लगा दो, दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 की घात 9 इसका आंसर आ जाएगा, 3 * 9। क्लियर हो गया? यस मैम। इसको भी उतार लीजिए, फिर एक सवाल में इसी टाइप का पोल में दूंगी आपको। उतार लिया मैम। ले मैम, हाँ
हाँ होल में डेरिवेटिव सवाल। चलिए तो सवाल है मेरा, 216 की घात 2 या 216 की घात 5 को आप 6 की घात के रूप में क्या लिखोगे? ठीक है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूं, तब तक सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शन है इसके, 6 की घात 8, 6 की घात 10, 6 की घात 15, 6 की घात 20। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, कीजिए इसे पोल में। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सभी का आया ना, इस वाले में भी सभी का आना चाहिए। बेटा गलत भी काफी बच्चों का हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद एक और सवाल दे दूंगी ऐसी में। पर सभी बच्चे आंसर करो। मैम कर दिया। ठीक है, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, गुड। कर ले प्रो, मैं कर ले ना, अच्छा गुण, अच्छा गुण इतने, तू कर मैं हूं कर, बेटा अंकुश माइक ऑन है आपका, माइक बंद कर दो। चलिए बेटा काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट में करना, ठीक है। फिर से वही, चैट में सबका सही, पोल में सबका गलत, इतने तो आंसर बेटा सी चैट पोल में आए भी नहीं थे जितने बच्चे यहाँ कर रहे हैं, सिर्फ 3 बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया है पोल में, सिर्फ 3 बच्चों ने, और यहाँ पे सबका सी आ रहा है, मतलब कोई तो है। मैंने तो पोल में भी सी किया था। चलो बेटा, लेकिन आया तो 3 ही बच्चों का है, वो मुझे खैर पता चल जाएगा। देखो 216 का मतलब क्या, आपको घन याद होंगे, 3 का जो घन होता है वो 6 का जो घन होता है 216 होता है ना, मतलब 6 × 6 × 6 216 के बराबर होगा। घात इसकी ऑलरेडी 5 चल रही है, 6 यहाँ 3 बार लिखा है, इसको क्या लिख दूंगी, 6 की घात 3, उसकी पूरी घात 5। अब नियम तो यही कहता है ना कि दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगे, 5 को 3 से गुणा करोगे 15 आएगा ना। बस कुछ बच्चों ने क्या किया है,
मैक्सिमम बच्चों ने किया है 5 और 3 को जोड़ के 6 की घात 8 आंसर लिखा है। जोड़ना नहीं होता बेटा, मल्टीप्लाई करना होता है। गलत है, तो 3 और 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ना कि जोड़ना है। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? एक और दूंगी क्योंकि आंसर सभी का ठीक नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक और दूंगी ऐसी क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल है इसी तरीके का। 125 की घात 7 को आप 5 की घात के रूप में क्या लिखोगे? ऑप्शन है ये, तब तक सॉल्व कीजिए। पांच की घात 10, 5 की घात 30, 5 की घात 22 या 5 की घात 21। ये है 4 ऑप्शन। मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। एक मिनट बेटा, पोल कर रही हूँ मैं। मैम नहीं हुआ, हो गया हो गया, देखो कर दिया। वेरी गुड। हाँ अब सभी का ठीक हो रहा है। गुड, वेरी गुड। मैम सभी का ठीक है? हाँ बेटा सभी का ठीक है, अभी किसी का भी गलत नहीं है। गुड, वेरी गुड। मैम कर दिया। ठीक है, लगभग सवाल का आंसर सभी ने ठीक दिया है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। चलो इस बार तो एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबने सही किया है पोल में। वेरी गुड। तो 125 आपको पता है किस संख्या का घन होता है? जल्दी से बताओ। 5 का। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब डायरेक्ट आप इसे क्या लिख दोगे? 5। हाँ, 5 गुणा 5 गुणा 5 उसकी पूरी घात। ये 7 लिखा है, 7 लिख दो। 5 गुणा 5 गुणा 5 का मतलब है 5 की घात 3, उसकी घात 7। घातों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 7 21, 5 की घात 21 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस मैम। सब समझ में आ गया? चलिए अगला करते हैं। अगर आपको अल्फाबेट और नंबर एक साथ कहने का मतलब है कि मैं इस तरीके का सवाल दे दूं कि आपने सॉल्व करना है 16 × t^4 × 4 / t^2। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब मुझे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे अल्फाबेट एंड नंबर दोनों साथ में है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या करना है, देखो उसको पावर की फॉर्म में ही आपने आंसर लेके आना है। तो 16 का मतलब क्या होगा, 16 का मतलब क्या है बेटा, 4 की घात 2 है ना, 16 का मतलब 4 की घात 2 ही तो होता है, लिख दिया। टी की घात 4 गुणा 4 बटे टी की घात 2। पहला स्टेप सभी को समझ में आया, 16 को तोड़ा है मैंने अभी सिर्फ 4 की पावर, है ना, और कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नियम अब लगेगा। सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई वाला की इन दोनों में लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, जब हमारे आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो 4 की घात 2, अब इस 4 की घात कुछ नहीं है तो 1 मानोगे ना, जहां जिसके ऊपर कोई घात नहीं दी होती वहां पर हम 1 मान लें। आपको पता है कि जब भी आधार समान होते हैं हमारे तो उनकी जो घात है वो आपस में जुड़ जाती है, एक ही घात m प्लस n, लिख दिया मैंने, गुणा टी की पावर 4 बटे टी की घात 2। क्या उत्तर आ गया, 4 की घात 3, 4 की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में फिर से एक नियम लग रहा है, इन दोनों में नियम लग रहा है, भाग वाला नियम लग रहा है। भाग वाला नियम क्या कहता था कि यदि पावर एक जैसी हो और संख्याएं भाग में हो तो उनकी घाते घटा देते हैं, तो यहाँ पे भी कट जाएंगे, -2। 4 की घात 3 गुणा टी की घात 2 का उत्तर है। आया सभी को समझ? हाँ, या तो आप 64 की पावर 64 मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो जब नंबर्स एंड अल्फाबेट साथ में आ जाए तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको उतार लो बेटा और एक बार फिर से। उतार लिया मैम। एक और करवाओ मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज ना आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज छुट्टी हो गई क्या मैम? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। क्लास बैक करके फिर ज्वाइन कर लियो। अभी करी इसे मैं तो। आ रही है तेरी? हाँ मैडम, बंद हो गई। मैम कित गई? किसी को भी नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब बताओ बेटा अभी आ रही आवाज? यस मैम। ठीक है, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, बस स्क्रीन शेयर हुई है, दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला, ध्यान से देखना। चलो, 25 गुणा जेड की पावर 7 गुणा 5 की पावर 2 बटे जेड की पावर 3। सबसे पहले मैं इसे 5 के रूप में तोड़ लेती हूँ, आपको पता है इसका मतलब होता है 5 की घात 2। जेड की घात 7 गुणा 5 की घात 2 बटे जेड की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इन दोनों में क्या लग जाएगा, वही नियम, जब आधार मान हो घाते जुड़ जाएंगी। 5 की घात 2 प्लस 2 गुणा जेड की घात 7, हाँ जेड की घात 3। 5 की घात 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 5 की घात 7 4, सॉरी यहाँ पे नियम लग जाएगा भाव वाला, यहाँ पे घाते घट जाएंगी। जेड की घात 7 माइनस 3, 5 की घात 4 गुणा जेड की घात 4 इसका उत्तर है। अभी क्लियर हो गया सभी को? यस, वेरी गुड बेटा, मेरा हो गया था जब आपकी आवाज नहीं आई थी तभी। ओके वेरी गुड, मुझसे भी पहले हो गया आपका, बहुत बढ़िया, यही आंसर आया था। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन दे दूं इसी तरीके का पोल में? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके, चलिए सवाल है आपका ये, (49) × (y)^4 गुणा 7 बटे (y)^3। ठीक है बेटा, पोल में अभी क्वेश्चन आ जाएगा, पहले मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो पहले। मैम 7 की घात नहीं है? नहीं, 7 के ऊपर कोई घात नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपको। अब पोल में मैं सब क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी थोड़ा सा वेट करना। पोल में आंसर है? हाँ बेटा, इसको पोल में ही करना है, 4 ऑप्शन दे रही है ना, लीजिए पोल में, आ गया होगा। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया और एकदम करेक्ट है। मैम पोल में तो है ना, दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, एक मिनट रुकना जरा। अच्छा हम तो आ रहे हैं क्वेश्चन, अब नहीं आएंगे, अब देखो गलती से डिलीट नहीं हुआ। दो बच्चों का आंसर आया मेरे पास, अभी 3 का आ गया। ठीक है, आ रहा है बेटा, अगर आप वोट पे क्लिक करोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सभी का। ठीक है मैम। नहीं बेटा, एक बच्चे का गलत है, अभी तो 3 में से 1 का गलत है। मैम का दिया। वेरी गुड, मैम जल्दी आंसर बता। हाँ 9 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं,
फाइव फोर थ्री चलिए बात वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये सवाल था बहुत ही ज्यादा इजी। आपको पता है 49 का मतलब क्या होता है? 49 मींस होता है 7 की घात 2। 7 को 2 बार गुणा करोगे तभी तो 49 आएगा। गुणा y की घात 4 गुणा 7/y की घात 3। अब यहाँ 7 की घात कुछ नहीं है, 1 मानोगे तो दोनों घातों को जोड़ दो। गुणा y की घात 4/y की घात 3 तो यहाँ आ जाएगा 7 की घात 3। अब यहाँ नियम लग जाएगा माइनस वाला, पावर ऊपर जाके घट जाएगी। 4 माइनस 3 ठीक है, 4 माइनस 3 सॉल्व कर लो। 7 की घात 3 गुणा y की घात 1 क्लियर हो गया या सिंपल इसे 7 की घात 3 गुणा y लिखो। सभी को समझ में आ गया? नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं है, सभी मैक्सिमम बच्चों का ठीक ही है। क्लियर सभी को? मेरा ठीक था। ठीक है चलो जरा मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ। देखो होमवर्क वाले उसमें इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको क्लास में करवाऊंगी ऐसे क्वेश्चन ठीक है। चलो तक हमने देख लिया था होमवर्क में, अब उसके आगे का जो एक्सरसाइज है वो आपने करनी है ये वाली 33.1 एंड 33.2 आपने करके लेके आनी। ये दो देखो नियम कौन सा लग रहा है, ये वाला दोनों करनी है या फिर एक? हाँ दोनों छोटे ही है, बस यही नियम लग रहा है इसमें, एक ही घात m दूसरी घात n ये वाला, जहाँ दोनों घातें गुणा हो जाती है, यही नियम तो है, बस एक ही नियम वाला सवाल है ठीक है। ओके बेटा आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का 2 क्वेश्चन रहते हैं पोल में, अगली क्लास में।